गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अक्षांशी विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इन टॉपिक को हम लोग बारीकी बारीकी से लेंगे, अलग अलग पॉइंट्स, टॉपिक एक एक टॉपिक को अलग अलग क्लास में ही हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक टॉप दो तीन टॉपिक को अगर एक ही क्लास में हम लोग कवर करने से होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट को समस्या आई है, जिससे ना तो वो एक पहले वाले टॉपिक को ही समझ पाते और ना ही वो दूसरे टॉपिक को समझ में आता है। क्यों होता क्यों ऐसा, क्योंकि ये पहला, ये देखिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो तैयारी होता है वो बहुत ही फास्ट है, तो इस लेकिन सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा है, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए या समझने के लिए, अपने दिमाग में उसको सेट करने के लिए, उसे बारीकी से समझना और स्लो एंड स्टडी का, स्लो स्टडी एंड विन वाला हम लोग कॉन्सेप्ट में चलेंगे, यानी कि धीरे धीरे चलते चलते हमको जीतना है। ये नहीं कि सिलेबस कवर करने के चलते बहुत ही तेजी में और एक ही समय में कई सारे टॉपिक को लेकर हम लोग डील करने लगे, जिससे बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया, जिससे क्या होगा, वो टाइम का वेस्टिंग होगा और बच्चे का भी टाइम वेस्ट होगा इसमें, तो वैसा हम लोग को नहीं करना है। एक छोटे टॉपिक को अगर कई सारे क्लास में, दो तीन क्लास में ही कवर करना क्यों ना पड़े, तो हम लोग उसे करेंगे ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला आज का जो विषय है हमारा चैप्टर टू में, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, सबसे पहला मोटा मोटी समझ लीजिए, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, भूपृष्ठ पर, ठीक है, एक मिनट, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझाते हैं, समझिएगा, जैसे ये पृथ्वी है हमारा, ठीक है ना, इस बात को जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे इस ग्राफ को भी शो करेंगे, यानी कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से, ये आपका विषुवत रेखा हो गया, इक्वेटर लाइन हो गया, विषुवत रेखा से उत्तर, तो विषुवत रेखा का उत्तर कौन सा हिस्सा हुआ, ये वाला पॉइंट, और विषुवत रेखा के दक्षिण का हिस्सा ये हो गया, यानी कि विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, ठीक है ना, उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। अक्षांश क्या है, एक तरह का काल्पनिक रेखा है, उसे काल्पनिक रेखा ही बोला जाता है, एक क्या है, काल्पनिक रेखा, ठीक है, काल्पनिक रेखा है। आइए इस काल्पनिक रेखा को हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं, मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा मैप हाजिर हो, मैप हाजिर होगा, यस दिस इज अ मैप, यस ओके, ये हमारा मैप है। अब इसे हम लोग समझते हैं जरा, जैसे देखिए ये आपका जो लाइन है जीरो डिग्री बता रहा है, यही हमारा क्या है, विषुवत रेखा है। याद रखिएगा, विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पहला नॉर्थ और दूसरा साउथ की ओर, ठीक है। तो इसके जो वर्टिकल, इसके जो हॉरिजॉन्टल में जो बहुत सारे जो लाइंस आप देख रहे हैं, यही हमारा अक्षांश होता है, जो विषुवत रेखा के पैरेलल चलता है, जो विषुवत रेखा के पैरेलल जितने सारे लाइंस काल्पनिक रेखा है उसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। यानी कि आप कह सकते हैं कि द पैरेलल ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि ऑल इमेजिनरी लाइंस आर पैरेलल टू द इक्वेटर लाइन, दीज आर कॉल्ड द लैटिट्यूडनल, यानी कि अक्षांश उसे कह सकते हैं हम लोग, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। इसे हिंदी में भी बोल देते हैं कि जो विषुवत रेखा के समानांतर जितने भी समानांतर लाइंस खींची गई हैं, काल्पनिक लाइन खींची गई हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्लियर, अब जरा इसे ध्यान में देखते हैं, अक्षांश बोलते हैं हम लोग, तो उसके बाद आता है क्या, लिखिएगा आप लोग, अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में, यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में, यानी कि पूरब से और पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर, यानी कि दक्षिण दिशा में क्या है आपका, ये आपका लाइन है, ठीक है ना, ये आपका लाइन है। अच्छा, तो ये एक मिनट, विषुवत रेखा के आपका जो दक्षिण में जो पैरेलल लाइन दिया है और विषुवत रेखा के उत्तर में जो पैरेलल लाइन है, ये आपका क्या, अक्षांश की रेखाएं हैं, ठीक है। अब नया
टॉपिक नया पॉइंट्स है इसमें कि जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है? तो यानी कि पूर्व कौन है आपका इसमें? पूर्व, एक मिनट, इन लाइनों का पोजीशन तो साउथ से आपका साउथ और नॉर्थ की ओर है ही, लेकिन ये लाइन किधर से किधर जा रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर क्या हो रहा है? ये लाइन खींचा गया है, एक दूसरे से लाइन खींचा गया है। इसे इसी समानांतर लाइन को हम लोग अक्षांश की रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना? इसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश की रेखाएं कहते हैं, ठीक है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है आपका, हमारा ये जो लाइन, ये लाइन, ये जो ब्लैक लेटर में जो दिया हुआ है, यह 0 डिग्री, इसे हम लोग भूमध्य रेखा या तो इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा भी या विषुवत वृत्त भी कहते हैं इसको, विषुवत वृत्त कहते हैं। तो विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है? 0 डिग्री पर होता है, ठीक है? विषुवत वृत्त जो है उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है? अब यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाएं को, यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा के इसी उत्तर डायरेक्शन में जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं हमारा, उसे हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं, उसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और जितने भी दक्षिण साइड में है ये काल्पनिक रेखाएं विषुवत लाइन के, विषुवत रेखा के, उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, यानी कि दक्षिणी अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर इसमें आगे हम लोग देखते हैं। कहता है क्या कि यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। यानी कि अक्षांश रेखाएं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो लाइन से हमारा, ये लाइन इसको अगर 1 डिग्री के अक्षांश पर हम लोग खींचते हैं, लाइन पर खींचते हैं, तो उसमें हमारा जो कितने रेखाएं आएंगे, तो 1 डिग्री में यानी कि 1 डिग्री में आपका 89 अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा और 89 दक्षिणी रेखा अक्षांश रेखाएं उसमें शामिल होगा, ठीक है? यानी कि इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, यानी कि हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन जरा कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि विषुवत रेखा पे करीबन, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये विषुवत रेखा है हमारा, ठीक है ना, और इस तरह से जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, यानी कि इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि 89 प्लस 89 प्लस 1, ठीक है? यानी कि कितना होगा, कैलकुलेशन करते हैं इसको, 9 9 18 8 16 और 1 17 प्लस 1, यानी कि 179, यानी कि कुल मिलाकर अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारा क्या होगा, 179 होगा। अब समझिएगा 89 89 प्लस 1 क्यों किए, क्योंकि 89 इधर है तो ये इसके लिए भी है, और 89 इधर है दक्षिण साइड है और ये इसके लिए भी आ जाते, 89 प्लस 1 ये हुआ और फिर 89 प्लस 1 ये हुआ, यानी कि लाकर देखते हैं तो 179 अक्षांश रेखा है। अगर पूछता है कि 179 रेखाएं हैं तो आप लिखिएगा 179 है टोटल मिलाकर। अगर अक्षांश यानी कि उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में कितनी कितनी रेखाएं हैं, 89 प्लस 1 89 प्लस 1, ये हमारा अक्षांश क्या है, क्लियर? तो अगर इसको कॉमन लेते हैं तो 89 प्लस 89 129 आएगा। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, अब यहां ध्यान दीजिए, जैसे ये लाइन आपका जो दिया हुआ है यहां पर, एक मिनट, जैसे ये एक लाइन है, एक वृत्त और ये अक्षांश रेखा है, तो इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है, क्योंकि हर एक 111 किलोमीटर पे एक नया अक्षांश आएगा। तो ये हमारा अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई। अब जरा फिर से चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसी पर, मध्य भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव कहाँ है आपका, ये पॉइंट हो गया, और हो गया साउथ पोल, ठीक है?
तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। अब चलिए यहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दोनों को बीच में मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों के बीच में मिलाने वाली जो रेखा है ठीक है, उन और काल्पनिक रेखा यानी कि दोनों दो जो दो पृथ्वी को बांटती है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच रेखा है। याद रखिएगा सीधा सीधी बात है, ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो कैसे बांटती है? साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में। और विषुवत रेखा आपको कैसे बांटती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में? ईस्ट से वेस्ट की ओर। क्लियर? इस तरह से हम लोग उसको चेक करते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर करता है। अच्छा, यह रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसका ग्रीनविच नाम बोला गया। ये जो रेखा जो लाइन है ना आपका करती है, अगर ज्योग्राफिकल मैप में देखा जाए तो ये लंदन शहर के बीच में पड़ता होगा, इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम हम लोग बोलते हैं। लंदन रेखा का ग्रीनविच शहर से होकर ये गुजरती है ठीक है। ग्रीनविच रेखा को जीरो डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। अब जीरो डिग्री देशांतर भी इसे हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं ठीक है? क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसका स्टार्टिंग आपका क्या है, फिर यहां से स्टार्ट होगा और फिर इधर से स्टार्ट होगा, यानी कि जीरो मध्य दो भागों में बांटने के कारण ही इसे हम लोग जीरो डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। जीरो डिग्री अक्षांतर किसे कहते हैं हम लोग? विषुवत रेखा को। और जीरो डिग्री देशांतर किसे कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम को बोलते हैं। क्लियर? ग्रीनविच मीन टाइम के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि ये जो ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन का पूरब, तो ग्रीनविच लाइन का पूरब कौन हो गया? ये वाला लाइन, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम डायरेक्शन हो गया। किसका? ग्रीनविच लाइन का। इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देशांतर रेखाएं का, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, है वो समानांतर नहीं हो बढ़ते पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है ठीक है ना। देशांतर रेखा के मध्य की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ध्रुवो विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के ध्रुवो से विषुवत रेखाओं की, जैसे जैसे एक मिनट अब जरा मैप की ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब ये क्या हो गया, जैसे जैसे आपका सेंटर की ओर बढ़ेगा तो बीच में देखिए गैपिंग होता जा रहा है एक दूसरे के बीच में, ये लाइन के बीच में ठीक है, कि दूरी बढ़ते जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की अधिकतम बीच की अधिकतम दूरी कितना होती है? 101.3 किलोमीटर दूरी ठीक है। ये हुआ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ, तो हम लोग याद रखेंगे इसे। अब जरा ध्यान दीजिए कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हमारा जो हिंदुस्तान है। अब एक मिनट, ये जो हमारा हिंदुस्तान है मैप में, अगर पृथ्वी के वर्ल्ड के मैप में देखते हैं तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में पूरा अधिकतर हिस्सा इसको पड़ता है। भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में इसका पूरा हिस्सा पड़ता है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है याद रखिएगा? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार पड़ता है। इसकी मुख्य भूमि जो है उत्तरी अक्षांश, हमारा उत्तरी अक्षांश, एक मिनट, उत्तरी अक्षांश के बारे में अगर बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश एवं यानी कि आपका उत्तरी अक्षांश में एक पहला सेक्शन ये आया और उसके बाद दक्षिणी देशांतर में हम लोग चलते हैं। दक्षिणी उत्तरी अक्षांश था ना, तो उत्तरी अक्षांश के बाद हम लोग का पूर्वी देशांतर आएगा।
तो सॉरी पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर को अगर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैलेगा। ठीक है, अब पॉइंट है कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार, उष्ण कटिबंध, ये क्वेश्चन खासकर स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का, याद रखिएगा उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार कितना है। तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि 23.5 डिग्री और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। ठीक है ना, दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों, उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है राजस्थान पीसीएस में और उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि भारत का विस्तार कहाँ से कहां तक है। तो कई बार उष्ण उपोष्ण के साथ देता है रिलेशन, सिर्फ उष्ण भी कभी आ जाता है या उपोष्ण आता है या नन दिस करके आता है। तो याद रखिए कि भारत का विस्तार जो है, भारत का विस्तार जो उसका एक्सटेंशन है विस्तार आपका उष्ण, एक मिनट, उष्ण एवं उपोष्ण, उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। यानी कि 0 डिग्री से ले अच्छा 0 डिग्री से निम्न यानी कि निम्न अक्षांश इसका कितना होगा। अगर उष्ण से उपोष्ण की ओर जा रहे हैं तो यानी कि निम्न से उच्च अक्षांश की ओर ये जा रहा है, तो निम्न अक्षांश हमारा कितना होगा, निम्न अक्षांश 0 डिग्री और उच्च अक्षांश कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है, यानी कि पूछता है कि दिन और रात की अवधि में क्यों अंतर होता है। इसलिए अंतर होता है क्योंकि हमारा जो भारत है वो उष्ण से उपोष्ण की ओर बढ़ता है और यानी कि 0 डिग्री यानी कि निम्न अक्षांश से लेकर उच्च अक्षांश की ओर जाता है, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में दोनों का अंतर पाया जाता है, इसलिए दिन और रात की अवधि में भी अंतर होता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में हम लोग चलते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, जिसके कारण डे और नाइट, डे और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तभी ना कभी गर्मी में क्या होता है, दिन की संख्या बढ़ जाती है जबकि रात की संख्या छोटी जाती है, और ठंड के वक्त क्या होता है कि दिन का संख्या घट जाता है और रात का टाइमिंग बढ़ जाता है। तो ये हमारा क्या था, अक्षांशीय विस्तार। इस वीडियो को आप बारीकी से आप लोग सुनिएगा, होगा क्या सुनने से, जितना सुनिएगा उतना दिमाग उस पर लगेगा और जितना दिमाग लगेगा आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि वन टाइम में आपका 3 से 4 अटेम्प्ट ये हो रहा है, एक ही बार में 3 से 4 अटेम्प्ट करने के बजाय, अलग अलग करने के बजाय आप एक ही अटेम्प्ट में 3 से 4 हम लोग क्या करते हैं, दिन से रात का दोनों का अक्षांश के बीच हम लोग इस अवधि के कारण ही, यानी कि सिंपल आप कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार के कारण ही और देशांतरी विस्तार के कारण ही हमारा दिन और रात में अंतर पाया जाता है। तब तक के लिए आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसे अच्छे से आप लोग पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद।